सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो मसला हुआ आज, ये इसकी एक रीजन है, वो रीजन क्या है? क्योंकि जब से हम जीते हैं 6-7 महीने हो चुके हैं, मुझे नहीं लग रहा है एज ए डीडीसी में, और उसी इज्जत के जिस तरीके से वो अपनी बहन की इज्जत करता है, अपनी माँ की इज्जत करता है, उसी इज्जत के हकदार बनने की है। और जिस तरीके से जो इनके साथ आए, मैं उनको भी ये बोलना चाहूंगा, चाहता हूं पहले आपको बता दूं, ये बहन हमारी रफियाबाद से हैं, और रफियाबाद आपको मालूम है कि मेरा पुश्तैनी घर है, मेरा पुश्तैनी घर है। तो हमारी अपने इलाके की बहन हमारे साथ आ जाइए। मुझे उम्मीद है कि जो लोगों के मुश्किलात होंगे, और जो इन्हें लगा कि पिछले 6 महीनों में जिस तरीके से ये लोगों का काम करना चाहती थी वो नहीं हो सका, इंशाल्लाह आगे को इस जमात में हम मिल बैठ के कठिन लोगों का काम। खास वजह हमेशा ही लोग होते हैं, और पर्सनल कोई खास वजह इसमें होती नहीं है। तो जो लोगों के काम थे वो रुके पड़े थे, और मुझे लग रहा है कि 6-7 महीने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना था, वो नहीं हो पाई। तो इसी वजह से तो लोग चाहे पीसी के हों, जिस किसाब के भी हों, जिस पार्टी के भी हों, लोगों के काम होने चाहिए, दैट बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस हैं। तभी मैंने सोच समझ के ही फैसला किया।